नमस्कार दोस्तों, लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे हर्निया के लक्षण, कारण, इलाज और बचाव के बारे में। हर्निया क्या है? जब कोई अंग अपनी वास्तविक जगह से खिसक कर शरीर के भीतरी मांसपेशी के असामान्य छेद से बाहर निकल आता है तो उसे हर्निया कहते हैं। हर्निया से प्रभावित क्षेत्र में उभार आने लगता है। हर्निया के कई कारण हो सकते हैं। ज्यादातर लोगों में पेट का हर्निया होता है। छोटे बच्चों में हर्निया की शिकायत हमेशा होती रहती है क्योंकि उनके पेट के मसल्स कमजोर होते हैं। बच्चों में हर्निया खुद ही ठीक हो जाता है। हर्निया की पीड़ा तो बुजुर्गों और नौजवानों को सहना पड़ता है। अब देखते हैं हर्निया के प्रकार। हर्निया मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। पहला, इनगुइनल हर्निया। पेट के निचले हिस्से की मांसपेशी कमजोर हो जाती है तो इनगुइनल हर्निया की समस्या होती है। यह महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में ज्यादा होता है। यह हर्निया का सबसे सामान्य प्रकार है। हाइटल हर्निया। डायाफ्राम मांसपेशियों का एक समूह है जो हमारे पेट को छाती से अलग करता है। हाइटल हर्निया में हमारे पेट का कुछ भाग डायाफ्राम मांसपेशी को चीरते हुए छाती की कैविटी तक पहुंच जाता है। छाती में दर्द और जलन इसके प्रमुख लक्षण हैं। 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को हाइटल हर्निया का खतरा अधिक होता है। और तीसरा, अम्बिलिकल हर्निया। यह हर्निया नाभि में स्थित होता है। नाभि के आसपास की त्वचा लाल हो जाती है, पेट उभरा हुआ नजर आता है और छूने से दर्द भी होता है। अम्बिलिकल हर्निया बच्चों में बहुत होता है। ज्यादातर मामलों में यह खुद ठीक हो जाता है। पेट की मांसपेशियां मजबूत हो जाने पर हर्निया गायब हो जाता है। लंबे समय तक हर्निया खुद से ठीक नहीं हो रहा तो सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। अब हम देखेंगे हर्निया के लक्षण क्या है। हर्निया के लक्षण हर्निया के प्रकार पर निर्भर करते हैं। कुछ मामलों में आपको लक्षण नजर नहीं आते हैं। वंक्षण, उरु, नाभि और संक्रामक हर्निया में निम्न लक्षण नजर आते हैं। पेट या कमर में सूजन। जब आप सोते हैं तो सूजन गायब हो जाता है। पेट भारी लगना, कब्ज, मल के साथ खून आना। उठते बैठते वक्त पेट और कमर में दर्द। उभार वाले क्षेत्र में दर्द या जलन। कमर में दबाव महसूस होना। पेट में जलन, निगलने में कठिनाई, उल्टी, कब्ज, अंडकोश के आसपास दर्द और सूजन। हाइटल हर्निया के लक्षणों में छाती में जलन और पेट का ऊपरी दर्द शामिल है। अब देखेंगे अज्ञात हर्निया के लक्षण। अज्ञात हर्निया के यह निम्न लक्षण है। मतली, उल्टी, बुखार, अचानक दर्द होना। उभरे हुए क्षेत्र का रंग परिवर्तन, यह लाल, बैंगनी या गहरे रंग का हो जाता है। पादते समय दर्द होना। अब देखते हैं बच्चों में हर्निया के क्या लक्षण है। बच्चों और शिशु में हर्निया आम है। अगर किसी बच्चे के पेट की मांसपेशी जन्म से कमजोर है तो उसे हर्निया का खतरा ज्यादा है। यदि आपके बच्चे को हर्निया है तो उसके कमर क्षेत्र में या पेट के आसपास उभार नजर आता है। बच्चों में हर्निया है तो बच्चा रोएगा और खाना नहीं खाएगा। बच्चे के रोने या खांसने पर प्रभावित क्षेत्र में उथल पुथल होती है। डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? नीचे दिए गए लक्षण नजर आते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपके प्यूबिक बोन के दोनों तरफ दर्द है या कमर के नीचे दर्द है, असहनीय दर्द और प्रभावित क्षेत्र में दिन रात तेज जलन हो तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब देखते हैं हर्निया का परीक्षण कैसे होता है। हर्निया का निदान करने के लिए ये शारीरिक परीक्षण किए जा सकते हैं। डॉक्टर प्रभावित क्षेत्र को छूकर हर्निया का पता लगा सकते हैं। आपको सीधा खड़ा होने को कहा जा सकता है, इससे सूजन साफ दिखाई देता है। हर्निया के ऊपर हाथ फेरकर डॉक्टर इसे महसूस कर सकते हैं। फीमोरल हर्निया के परीक्षण के लिए निम्न टेस्ट किए जा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड टेस्ट और एक्सरे। अब देखेंगे हर्निया का कारण। हर्निया का मुख्य कारण है मांसपेशी का कमजोर होना। जांघ, पेट या श्रोणि की मांसपेशी कमजोर है तो उसमें छेद होने लगता है और इसी छेद के माध्यम से भीतरी अंग बाहर आने लगते हैं। बहुत दिनों तक इलाज न कराने पर छेद बड़ा हो जाता है जिससे ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके पेट की मांसपेशी कमजोर होती है। ऐसी स्थिति में पेट पर दबाव पड़ा तो कोई भीतरी अंग अपनी जगह से बाहर निकल सकता है। एक साल के भीतर बच्चों का हर्निया ठीक नहीं हुआ तो सर्जरी की जरूरत पड़ती है। अब देखते हैं हर्निया के जोखिम कारक। कई कारण हैं जो हर्निया के खतरे को बढ़ा सकते हैं, जैसे भारी चीजें उठाना। वजन उठाने से हर्निया का खतरा बढ़ जाता है क्योंकि इसमें मांसपेशियों पर तेज दबाव बनता है। गर्भावस्था। गर्भवती महिलाओं को हर्निया का जोखिम आम महिलाओं के मुकाबले अधिक रहता है। प्रेगनेंसी की वजह से पेट की मांसपेशी कमजोर हो जाती है और प्रेशर बनता है। मल्टीपल प्रेगनेंसी। कई बार गर्भवती हो चुकी महिलाओं में अम्बिलिकल हर्निया का खतरा अधिक रहता है। कब्ज। लंबे समय से कब्ज है और मल त्याग करने में दिक्कत होती है तो हर्निया हो सकता है। खांसी। खांसते वक्त पेट में तीव्र धक्का लगता है। बच्चों में हर्निया होने का मुख्य कारण
लंबे समय की खांसी ही है। मोटापा, मोटापा भी हर्निया का एक प्रमुख जोखिम कारक है। मोटे लोगों में पतले लोगों के मुकाबले हर्निया होने का खतरा अधिक रहता है। पुरानी सर्जरी, पेट की सर्जरी के दौरान मांसपेशी में चीरा लगाया जाता है जिससे पेट कमजोर हो जाता है और हर्निया का कारण बनता है। अब देखते हैं हर्निया की क्या जटिलताएं हैं। कभी कभी एक अनुपचारित हर्निया निम्न गंभीर जटिलताओं का कारण बन सकता है। हर्निया का आकार सकता है और अधिक लक्षण पैदा करने लगता है। यह आसपास के ऊतकों पर बहुत अधिक दबाव डालता है जिससे आसपास के क्षेत्र में सूजन और दर्द आ जाता है। आपके आंत का एक हिस्सा पेट की दीवार में फंस सकता है। यह आपके आंत के कार्य को प्रभावित करता है जिससे हमेशा दर्द और कब्ज की समस्या बनी रहती है। यदि आंत का कोई विशेष हिस्सा पेट के छेद में अटक गया हो उस क्षेत्र का रक्त प्रवाह रुक जाता है। इससे आंत के ऊतक काम करना बंद कर देते हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि तुरंत सर्जरी करवानी पड़ती है। अब हम देखेंगे हर्निया का इलाज क्या है। आमतौर पर लोग उभाड़ अंदर धकेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करना जानलेवा हो सकता है। अंग आपके पेट में फंस सकता है। हर्निया का इलाज आप विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा करा सकते हैं। हर्निया का इलाज डॉक्टर निम्न तरीके से कर सकते हैं। हर्निया की सर्जरी, हर्निया का सफल इलाज केवल सर्जरी से ही संभव है। हर्निया का इलाज के लिए दो सर्जिकल प्रक्रिया मौजूद है। पहली ओपन सर्जरी, इसमें रोगी के पेट में एक लंबा चीरा लगाया जाता है। इसके बाद सर्जिकल उपकरणों की मदद से सर्जन बाहर निकले हुए अंग को अंदर धकेल देता है। पूरी प्रक्रिया में बहुत अधिक समय लगता है और रिकवरी भी जटिल होती है। इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत है। और दूसरा लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, यह हर्निया की एडवांस और मॉडर्न सर्जरी है जिसमें छोटे आकार का चीरा लगाया जाता है। हर्निया के इलाज के लिए यह सर्जरी सबसे बेहतर है। और अब हम देखेंगे हर्निया से बचाव कैसे करें। आप हर्निया को विकसित होने से नहीं रोक सकते हैं। हालांकि हर्निया से बचने के लिए अपने जीवन शैली में बदलाव अवश्य ला सकते हैं। यहाँ हर्निया के रोकथाम के लिए कुछ सामान्य उपाय दिए गए हैं, जैसे धूम्रपान न करें, कब्ज से बचें, पर्याप्त मात्रा में फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ खाएं, ऐसा व्यायाम करें जो आपके पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाए, वजन उठाने से बचें। यदि आप वजन उठाते हैं तो अपने घुटनों पर जोर लगाएं, न कि कमर पर या पीठ पर। लगातार खांसी है तो डॉक्टर को दिखाए। शरीर का वजन न बढ़ने दे। मल त्याग करते समय और पेशाब करते समय जोर न लगाए। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और देखते रहिए लोटस आयुर्वेदा इंडिया।